जोड़ो के सिलसिले में जो बीजेपी ने नफरत फैलाई थी, जो नफरत फैला भी रही है अभी भी, उसको जोड़ने का काम हमारे राहुल जी कर रहे हैं। पदयात्रा जो पैदल मार्च कर रहे हैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, कश्मीर तक, कश्मीर में इसका एंड होने वाला है 30 तारीख तक ये चलेगी। तो बिल्कुल सही चल रही है और लोग जुड़ रहे हैं। जो लोगों में वो कोई दबाव किया था बीजेपी ने कि उसको भी अंदर डालो, जो हक की बात करे उसको अंदर डालो, जो बेरोजगारी के खिलाफ बोलता है कि हाँ बेरोजगार है इसके लिए कुछ करो, महंगाई आसमान को छू रही है, तो लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो डर का माहौल उन्होंने बनाया था। तो अब इससे वो अभी बाहर आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। जो मैं J&K की अभी बात कर रहा हूँ, लोगों में बहुत गुस्सा है। जो 5 अगस्त 2019 को यहाँ हुआ है, जो अब्रिगेशन आर्टिकल 370 35A का हुआ है, लोगों में बहुत गुस्सा है और मुझे लगता है उसका जवाब आज भारत जोड़ो यात्रा में बीजेपी को मिलेगी। ये बकवास है, पहले उन्होंने बोला था प्रेसिडेंट ये खानदान रोल करते हैं, लेकिन वैसा नहीं हुआ। आज हमारे मलिक अर्जुन खर्जी प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, अब फिर इनकी बोलती अब बंद हो गई, अब क्या बोलेंगे, इनके पास कोई पता नहीं है, अब सिर्फ मजहब का कार्ड चलाते थे बीजेपी वाले और कुछ नहीं, और लेकिन वो भी खत्म होने वाला है क्योंकि पेट रोटी मांगता है। लेकिन ये नहीं, ये खाली दावे जो करते हैं ये नहीं चलते। जोड़ने की बात कि हर एक को साथ लिए चलो और महंगाई पे काबू पाना है, बेरोजगारी पे काबू पाना है, और जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो बेचारे किसान इतने मर गए, किसानों के खिलाफ आप देखो बीजेपी ने कैसे कैसे कानून लाए, आप खुद देखिए जो भी कानून आ रहा है इंसानियत के खिलाफ आ रहा है, इंसान के खिलाफ आ रहा है। तो इसीलिए पदयात्रा एक अच्छा शगुन है।